अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ जुहेब संदूर। आप देख रहे हैं फिक्स योर लाइफ क्विकली, और आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि जैज़ का इंटरनेट यूज़ करते हैं लेकिन उनका जो है वो इंटरनेट जो है किसी वजह से नहीं चल रहा, या कोई भी सेटिंग उनने तमाम सेटिंग्स जो है वो करने के बावजूद भी उनका इंटरनेट जो वो नहीं चल रहा। तो ये आज की वीडियो डेडिकेटेड उन जैज़ के यूज़र्स के लिए है कि उनने तमाम तक सेटिंग्स करने के बावजूद और सब कुछ करने के बाद बावजूद उनका इंटरनेट नहीं चल रहा, हेल्पलाइन पे कॉल करने के बावजूद और तमाम सेटिंग्स करने के बाद एपीएन वगैरह सेट करने के बावजूद भी इनका इंटरनेट जो है वो नहीं चल रहा। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या आपने करना है, कौन से ऐसा तरीकाकार है जिसकी मदद से आपका इंटरनेट जो है वो एकदम से फास्ट हो जाएगा और बूस्ट हो जाएगा, और एकदम से जिन लोगों का इंटरनेट नहीं चल रहा उनका भी दौड़ने शुरू हो जाएगा इंटरनेट। तो चलिए आइए बताते हैं आपको। सबसे पहले हम जो है मैसेज के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर ये देखिए मैं जो है इधर क्लिक कर देता हूँ जनाब मैसेज के ऊपर। और यहाँ पर जो है एक तो तरीकाकार जो है वो ये है कि आपने जो है 7342 के ऊपर जो है वो टेक्स्ट मैसेज जो है वो आपने कर देना जनाब, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये देखिए 7342 के ऊपर मैसेज करता हूँ। यहाँ पर आपने कैपिटल के अंदर लिख देना जी GPRS। एक तो ये तरीकाकार है कि आप GPRS लिखकर 7342 के ऊपर मैसेज करेंगे और आपका मैसेज जो है वो सेंड हो जाएगा जैज़ की जानिब। जैसे ही आपका जैज़ की तरफ जो है वो मैसेज चला जाएगा तो उसी टाइम पे आपको एक तो सेटिंग आ जाएगी। जैसे ही आपका मैसेज सेंड, देखिए हमारा मैसेज सेंड हो चुका है और जैज़ की तरफ से जो है हमें वो मैसेज भी हो चुका है रिसीव कि आपको अभी थोड़ी देर तक जो है वो सेटिंग मिल जाती है। लेकिन बहुत से ऐसे यूजर्स हैं जो कि इस मेथड को नहीं जानते हो, लेकिन कुछ जो जानते हैं उसके बावजूद भी सेटिंग रिसीव होने के बाद भी उनका इंटरनेट जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो आइए बताते हैं कि आपने क्या करना है कि सेटिंग्स आने के बावजूद जैज़ के आपका इंटरनेट फिर भी काम नहीं करता। तो उसके बाद जो दूसरा तरीकाकार है वो आपको बताते हैं। जब तक हमें मैसेज रिसीव नहीं होता हम दूसरे मेथड की जानिब जो बढ़ते हैं। एक तरीकाकार मैंने आपको ये बता दिया कि आपने GPRS लिखकर 7342 के ऊपर मैसेज कर देना, आपको सेटिंग जो रिसीव हो जाएगी। अब बढ़ते हैं दूसरे जानिब, दूसरे तरीके की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने जो है वो क्या कर लेना है, अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर आ जाना, ठीक है। पहले नंबर पर आपने चेक कर लेना है कि आपका जो है वो डाटा जो है पैकेज जो है वो है, अगर पैकेज है तो बैलेंस है, अगर बैलेंस है तो उसके बाद आपने एक दफ़ा अपने मोबाइल हैंडसेट को जो है वो रिस्टार्ट कर लेना है। हैंडसेट को रिस्टार्ट कर लेने के बाद अगर फिर भी आपका इंटरनेट नहीं चलता तो उसके बाद आपने अपनी सिम की स्लॉट्स जो है यानी कि उनकी जगह जो है वो चेंज कर लेनी है। इसके बाद भी अगर आपका इंटरनेट नहीं चलता तो उसके बाद आपने क्या करना है, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने जनाब सेटिंग्स में आना है अपने मोबाइल फ़ोन की, और इसके बाद आपने नेटवर्क एंड इंटरनेट के ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर ये देखिए जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको वाईफाई के नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क। यहाँ पर मैं ये दूसरे नंबर पर इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आपने उस सिम के ऊपर क्लिक कर देना है जैज़ की जिसके ऊपर आप जो है अपना इंटरनेट जो है वो चलाते हैं या चलाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे पास जो लिखा हुआ है माई जैज़ लिखा हुआ आपको यहाँ पर ये देखिए दिखाई दे रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपने सबसे पहले यहाँ पर जो है प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप जो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपने इसको 4G के ऊपर सेलेक्ट कर देना, ठीक है। 4G, 2G, 3G पहले नंबर पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है कुछ मोबाइल्स के अंदर APN के नाम से आपको ऑप्शन मिलेगा, और कुछ मोबाइल्स के अंदर जो है वो आपको एसएस पॉइंट नेम्स के नाम से आपको जो है वो ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। इसके बाद आपने सिंपल जो है APN या एसएस पॉइंट नेम्स के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये देखिए मैंने आपके सामने क्लिक कर दिया है। इसके बाद आपने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देना और रीसेट टू डिफॉल्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रीसेट टू डिफ़ॉल्ट के ऊपर कर देंगे तो आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे यूज़र्स भी होंगे जो ये करने के बावजूद भी उनका जो है वो इंटरनेट नहीं चलेगा। इसके बाद आपने क्या करना है आइए वो भी आपको मैं बता दूँ। बहुत ही आसान है, छोटा सा एक ट्रिक है, छोटा सा एक स्टेप है जिसकी मदद से आपका जो है इंटरनेट एकदम से फास्ट हो जाएगा। आपने बहुत सी वीडियोज़ अगर देखी हैं और उसके बाद भी आपका इंटरनेट नहीं चला और मेरी वीडियो देखने के बाद आपका इंटरनेट चलने लग गया, तो लाजमी तौर पर जो है चैनल फिक्स योर लाइफ को लाजमी तौर पर आपने सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और एक अच्छा सा कमेंट जो है आपने लाजमी तौर पर करना है। तो आइए बढ़ते हैं, हमने क्या करना है जनाब, ये आपको दिखाई दे रहा है जैज़ का ऑप्शन, ये देखिए दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। बहुत से लोग जो है वो क्या करते हैं नेम की जगह पर आप जो है वो लिख देते हैं जनाब जी,
जैज़ लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है एपीएन के अंदर जो वो भी जैज़ लिख देते हैं। इसका आसान सा सलूशन है वो भी आपको जो है बता देता हूँ। यहाँ पर जैज़ है जो ना, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना, ठीक है, और यहाँ पर आपने जो है वो लिख लेना जैज़। आपने इसको वैसे का वैसे ही रहने देना है, जैज़ पहले वाले ऑप्शन नेम के अंदर आपने जो है वो जैज़ ही रहने देना है। और दूसरा ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है नीचे, यहाँ पर ये देखिए एपीएन लिखा हुआ है, इसको आपने एडिट करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको हटाना है। और यहाँ पर आपने लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लाइन आपको बताने लगा सिर्फ आपने वही लिखनी है। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, तो आपका इंटरनेट जो है वो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। यहाँ पर आपने जो है वो क्या कर लेना जनाब, जैज़ कोनेक्ट आपने लिखना है, CONNECT कोनेक्ट लिख देना है। इसके बाद आपने डॉट लिखना है, और उसके बाद मोबी लिंक लिखना है, MOBILINK मोबी लिंक लिखना है, जैज़ कोनेक्ट डॉट मोबी लिंक। और उसके बाद आपने लिख देना है वर्ल्ड, स्पेस नहीं आपने देनी, ठीक है। इसके बाद आपने डॉट लिखना है, COM लिख देना है, जैज़ कोनेक्ट डॉट मोबी लिंक वर्ल्ड डॉट कॉम। यही लाइन आपने एपीएन के कुछ अंदर भी लिखनी है नहीं अगर आप। करना, ठीक है, आपने नीचे आ जाना है, ऑथेंटिकेशन टाइप के अंदर जो है वो आपने नन कर देना है, और इसके बाद आपने नीचे आ जाना है, एपीएन टाइप के अंदर आ जाना है, और यहाँ पर आपका जो है वो डिफॉल्ट डॉट COMMA SUPL लिखा है, आपने इसको इसी तरह रहना है। अगर आपका नहीं कुछ भी लिखा हुआ तो आपने ये वाला ऑप्शन जो है एपीएन टाइप के अंदर जो है वो डिफॉल्ट COMMA SUPL आपने लिख देना है, और ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है बैरियर के ऑप्शन के अंदर, और इसको आपने जो है वो अनस्पेसिफाइड के ऊपर जो है वो चेक कर देना है यहाँ पर, ठीक है, और इसको ओके डन कर देना है बस। और इसके बाद कुछ भी नहीं ऑप्शन भाई आपने करना है। इसके बाद आपने इसको सेव के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, और इस तरह से आपका ये जो है वो एपीएन जो है वो बन जाएगा और सेव हो जाएगा। अब आपने कुछ भी नहीं करना भाई, आपने क्या करना है, आपने अपना डाटा जो है उसको ऑन कर लेना है, और डाटा ऑन करने के बाद आपने एक दफ़ा अपने हैंडसेट को जो है वो कर लेना है रिस्टार्ट। और ये देखिए अभी हमारा जो है वो इंटरनेट चल चुका है, आप देख सकते हैं आसानी के साथ देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको यूट्यूब ओपन करके वो भी दिखा देता हूँ। लीजिए जी, हमारा जो है वो इंटरनेट जो है वो एकदम से स्टार्ट हो चुका है, आपके सामने जिंदा मिसाल है, जिंदा सबूत, आपके पास लाइव डेमो जो है और लाइव जो है इसके एविडेंस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए साबित हुई होगी। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी लेकिन आपका मसला जो है वो हल नहीं हुआ होगा। मेरी वीडियो देखने के बाद आपको जो है आपका प्रॉब्लम, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से जो है वो ठीक हो जाएगा। वीडियो प्रॉब्लम जो है आपका जो है हल होने के बाद आप लाजमी तौर पर फिर जो लाइव क्विक लिंक को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट आपने लाजमी सा प्यारा सा कमेंट भी आपने करना है, और वीडियो को लाजमी तौर पर आपने जो है जनाब वो लाइक करना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।